नेटवर्क। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित सचिव यशवंत सिंह द्वारा दिवाली के पूर्व संध्या पर दिवाली स्नेह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लिट्टी चोखा भी रखा गया था। लिट्टी चोखा में बड़े पैमाने पर प्रभारी सोनल पटेल तथा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उपस्थित थे। देख सकते हैं बिग न्यूज़ टीवी की विशेष रिपोर्ट। आज दिवाली के पर्व पे यहाँ पे मलाड़ में यशवंत सिंह जी के द्वारा कांग्रेस के समर्थक अलग अलग समाज के लोगों का कार्यक्रम रखा गया है। दिवाली की सबको शुभकामना दी गई है और ख़ास करके अभी जो इलेक्शन आएंगे उसमें कांग्रेस किस तरह से आगे जाएगी उसका भी हम सोचेंगे और सबका समर्थन हमें मिलेगा ऐसी हमें आशा है। तो इस कार्यक्रम के द्वारा हम नए साल में एक कोशिश शुरू कर रहे हैं और इस तरह से सारे समाज यहाँ उत्तर भारतीय सेल के ये प्रेसिडेंट थे लेकिन बहुत सारे समाज के लोग आए हुए हैं और सबको साथ में लेके हम आगे कैसे बढ़ाएंगे पार्टी को इसकी हम बात करेंगे। सर नई जिम्मेदारी यशवंत जी को सौंपी गई है, किस तरह से आपकी शुभेच्छा रहेगी उनके? सर वो उनको पहले तो उत्तर भारतीय सेल के प्रेसिडेंट थे, अभी नाना पटोले जी की बॉडी में प्रदेश समिति में सचिव बने हैं और उनको वसई विरार का प्रभारी बनाया गया है। तो मैं आशा रखती हूँ कि उनके साथ उनकी आगेवानी में वहाँ पे हमें काफ़ी सफलता हासिल होगी और यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था इस सेल में तो वही अनुभव उनको काम आएगा और अच्छा संगठन वहाँ पे भी बनाने की वो जरूर कोशिश करेंगे। विरार और नाला सुपारा में अभी तक कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, यशवंत जी को बहुत सारी जिम्मेदारी दी गई है, आपका कैसा मॉरल सपोर्ट रहेगा? मेरा तो मॉरल सपोर्ट है ही पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेहनत करने की बात आती है उन्होंने करके दिखाया है और मुझे लगता है कि इसी एक जोश के साथ वहाँ पे भी वो काम करेंगे और कांग्रेस को खड़ा करने में हेल्पफुल रहेंगे। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव अभी आपने देखा होगा 227 सीट की जगह 236 सीट हो गई है और भाई जगताप जी के नेतृत्व में हम जम के चुनाव लड़ेंगे और 236 के 236 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे और जैसा कि हमने एक स्लोगन बनाया है अब की बार 100 के पार, तो आप देखिएगा इस बार हम 100 से 100 के पार जाएंगे और मोदी गवर्नमेंट वाला 100 के पार नहीं। मोदी गवर्नमेंट का अगर आपने देखा होगा तो पिछले 2 साल से क्रिकेटरों ने सेंचुरी नहीं मारी है, लेकिन मोदी साहब ने वो डीजल हो पेट्रोल हो या आप भूखमरी में आप देख लीजिए 103 नंबर पे हमको पहुंचा दिए। तो आप देखिएगा इस बार कांग्रेस पार्टी 236 में से 100 सीट से ऊपर जाएगी और उसी को लेके हम लोग वार्ड लेवल पे बूथ लेवल पे और हर लेवल पे हम तैयार हो रहे हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि हम अच्छे वोट से जीत के आ सकें। सर ये सम्मेलन रखा गया उस बारे में बताइए, किस तरह से सम्मेलन रखने की नीति थी? सम्मेलन में एक बाटी चोखा जो उत्तर भारतीयों का व्यंजन होता है, अब तो उत्तर भारत नहीं ये पूरे के पूरे पूरे भारत में इसको लोग चाव से खाते हैं, तो उसके थ्रू एक ऐसी कोशिश की गई है कि समाज के हर वर्ग को, केवल उत्तर भारतीयों को ही नहीं तो समाज के हर वर्ग को एक जगह लाया जाए, उनसे विचार विमर्श किया जाए और आगे आने वाला जो इलेक्शन है हमारा जिसमें हम 236 सीट पे लड़ने वाले हैं उसके बारे में प्लानिंग की जाए, कोऑर्डिनेशन की जाए और उसके ही संदर्भ में हमारे बीच में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सचिव और यहाँ की मुंबई की प्रभारी हमारे बीच में उपस्थित हैं जिनके गाइडेंस में हम लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आगे आपको उसका रिजल्ट भी दिखेगा। थैंक यू।